जाएंगे आप, रोइए मत, घर पहुंच जाएंगे आप। अरे भैया, चाहे नोटबंदी हो, नसबंदी हो या लॉकडाउन यानी कि देहबंदी, हमने देखा है कि सरकारें जब जब बड़े फैसले लेती हैं, मजदूर, किसान और गरीब मारे जाते हैं। बेरोजगारी चरम पर है, एक तो काम नहीं, ऊपर से लॉकडाउन। दिहाड़ी मजदूर मतलब होता है वे लोग जिन्हें रोज कुआं खोद कर पानी पीना पड़ता है। अब जब काम नहीं होगा तो वे जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? सो अपनी जमा पूंजी सर पर लाद कर चल दिए। मजदूरों को सरकार से उम्मीद नहीं होती है, उनकी कोई मांग नहीं होती है, या यूं कहें कि वे इतने बेजुबान होते हैं कि अपना हाल बयां भी नहीं कर सकते। आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हम मजदूरों को, गरीबों को इस लायक भी नहीं बना सके कि वे अपनी परेशानी सही ढंग से बयां कर सकें। सूरत में काम कर रहे यूपी बिहार के मजदूरों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। खबर है कि मजदूरों ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस परेशान हो रही है, बिल्कुल होगी, इसके जिम्मेदार सरकार है। मजदूरों के पास खोने के लिए मजदूरी थी जो एक हफ्ते पहले वे खो चुके हैं। अब खाना नहीं होगा तो कोरोना से भले बच जाएं, लेकिन भूख से मर जाएंगे। घर लौटने के चक्कर में अब तक 22 मजदूरों की मौत हो चुकी है। जिसे आप लॉकडाउन का उल्लंघन कह रहे हैं, वह किसी मजदूर के लिए जिंदा रहने का आखिरी मौका हो सकता है। नोटबंदी में भी यही मजदूर, गरीब तबके के लोग मारे गए थे। इसका मिलता जुलता स्वरूप हमने कांग्रेस की सरकार में भी देखा था। 1975 में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने गरीब तबके के लोगों को पकड़कर जबरदस्ती उनकी नसबंदी करवाने लगे थे, जिसका बाद में भयंकर विरोध हुआ और वर्किंग क्लास ने आपातकाल को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मिडिल क्लास के लोग इतिहास में भी थाली पीटते रहे थे और आज भी थाली पीट कर पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, कोरोना पार्टी कर रहे हैं, सिर्फ इस बात से खुश हैं कि 3 महीने EMI नहीं देनी होगी। लेकिन हालात यही रहे तो सड़क पर आने का अगला नंबर मिडिल क्लास लोगों का ही है। लॉकडाउन से मजदूर मर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प हमारे पास मौजूद था। साउथ कोरिया का उदाहरण हमारे सामने है। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला केस आया था। अब तक सिर्फ 40,000 के आसपास ही लोगों का टेस्ट हो पाया है, जबकि कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ताकि कोरोना संक्रमित लोगों को आइडेंटिफाई करके अलग रखा जा सके, जिससे वे और लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। बाकी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ अभी तक ना के बराबर टेस्टिंग हुई है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि भारत में किस रेट से कोरोना बढ़ रहा है। इटली ने भी लॉकडाउन किया है, लेकिन मौतें नहीं रुक रही हैं, क्योंकि शुरुआत में लापरवाही बरती गई। ये आनंद विहार ISBT का हाल देखिए। अगर इनमें से एक भी कोरोना का संक्रमित हुआ तो न जाने कितने लोग संक्रमित हुए होंगे, और वे रास्ते में गांव घर पर कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सरकार तो कह देगी कि हमने लॉकडाउन कर दिया था, पब्लिक ही नहीं मानी, और हम हैप्पी क्वारंटीन वाले अपने देश के गरीबों को जाहिल कहकर सो जाएंगे। अभी तक टेस्ट किट का अता पता नहीं है, सरकारी अस्पताल वाले सबको चेक नहीं कर रहे, और प्राइवेट में 4500 रुपए देकर कोई धन पशु ही चेकअप करवा सकता है, आम इंसान की बस की बात तो नहीं है। वेंटिलेटर, आइसोलेशन रूम कितने को मिल पाएगा, आप देख ही रहे हैं। अब इन सब पर खर्च करने से बेहतर है कि लॉकडाउन करके झंझट खत्म करो। जनता को भी लग रहा होगा कि सरकार कुछ कर रही है। पहले तो पता चला कि हमारे यहाँ खाना पकाकर खाते हैं, कोरोना नहीं आएगा। फिर बात चली कि भारतीयों का खून गर्म है, लहसुन खा लो, कोरोना नहीं फैलेगा। फिर मालूम हुआ कि गौमूत्र पीने से कोरोना शांत हो जाएगा। मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमारे देश में खत्म कर दिया गया है। सरकार भी स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंतित है कि GDP का 1% हेल्थ पर खर्च कर डालते हैं। जो देश अपनी GDP का 8 से 9% हेल्थ पर खर्च करता है, उसका जब ये हाल है तो सोचिए कि हमारा क्या हाल हो सकता है। ऐसे वक्त में भी हमारे प्रधानमंत्री प्रचार करने में जुटे हैं। राहत सामग्री के पैकेट्स पर मोदी किट लिखा हुआ आ रहा है। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि जब पहले से PM NRF यानी कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, तो PM CARES नाम से नया रिलीफ फंड अकाउंट बनाने की क्या जरूरत थी। ये सवाल वाजिब है, क्योंकि पहले वाले प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को ऑपरेट और मॉनिटर करने के लिए बाकायदा होम सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट और अपोजिशन के लीडर होते थे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। वेबसाइट पर उसकी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होती थी, जिसको कोई भी देख सकता था। जबकि जो नया पीएम केयर्स फंड बनाया गया है, वहां मोदी जी उसके चेयरमैन हैं और अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण उसकी ट्रस्टी हैं। इस सबके बीच एक आदमी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, टेड्रोस एधानम, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का चीफ। कहा जा रहा है कि इसे एक आदमी की वजह से कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। टेड्रोस एधानम को चीन का करीबी माना जाता है। इन्हें WHO चीफ बनाने में भी चीन का बड़ा योगदान रहा है। पहले ये
इथोपिया के हेल्थ मिनिस्टर थे और इन पर आरोप है कि इन्होंने इथोपिया में फैले कॉलरा की महामारी दुनिया से छुपाई थी। WHO चीफ बने तो कोरोना वायरस की जानकारी भी दुनिया से छुपाई। 14 जनवरी को ट्वीट करके लिखा कि कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, जो कि गलत जानकारी थी, जिसके बाद सारे देश बेफिक्र हो गए और धीरे धीरे कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका ने जब चीन की यात्रा पर बैन लगाना चाहा तो WHO ने इसकी आलोचना की, लेकिन वायरस फैला तो चीन को खुद एयरपोर्ट बंद करवाना पड़ा। यही होता है जब देश सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचने लग जाते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं। साल 2014 में जब इबोला फैला था तो उस वक्त अमेरिका ने ग्लोबल लीडर की तरह काम किया था। कुछ एक केसेस को छोड़ दिया जाए तो इबोला को पश्चिमी अफ्रीका तक ही सीमित कर दिया गया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कह रहे हैं कि अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा तो वे उसे बड़ी उपलब्धि मानेंगे। इससे पहले वे कह रहे थे कि कोरोना से अमेरिका वालों को कुछ नहीं होगा, गर्मी आएगी और सब खत्म हो जाएगा, ये गौमूत्र पीने जैसी ही बात थी। इस सबके बीच एक देश है जो उम्मीद जगाता है, क्यूबा। छोटा सा देश है मगर पूरी दुनिया में जहां भी जरूरत है अपने डॉक्टर्स भेज रहा है, इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि हमने हथियार नहीं बनाए, डॉक्टर बनाए हैं जो पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए तैयार हैं। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, लेकिन इस सबके बाद उम्मीद है कि दुनिया के सभी देश एकजुट होकर विचार करेंगे, अपनी बड़ी बड़ी तोपों पर दम्भ भरना बंद करेंगे, हथियार नहीं बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं खरीदेंगे बेचेंगे, जहां पढ़े लिखे लोग बम नहीं वैक्सीन बनाएंगे, पेड़ और जंगल बचाएंगे, प्रकृति से दोस्ती करेंगे खिलवाड़ नहीं, ताकि कोई निपाह इबोला या कोरोना जैसा वायरस हमारी दुनिया में आकर तबाही न मचाए। आप देखते रहिए ऑन द ग्राउंड विद रोहित उपाध्याय।